उस आईडी निकाल लो। राजस्थान सरकार ने इसकों के माध्यम से उद्योगों के ऊपर बिजली की इनडायरेक्ट वे से दरें बढ़ाकर बहुत बड़ी फाइनेंशियल बर्डन डाल दी है। मार्च और अप्रैल माह के माह में जब हमारी फैक्ट्री लॉकडाउन के कारण पूरी तरह बंद थी, हमने सरकार से मांग की थी कि भाई स्थायी शुल्क है इसको माफ किया जाए। सरकार ने उसको डेफर किया, मार्च के बिल का और अप्रैल के बिल डेफर करके आगे मई जून जुलाई के बिल उसको पैसा ऐड कर दिया, उनसे पूरा पुनः वसूल कर दिया। इसी प्रकार हमने मांग की थी कि माफ की मांग की, लेकिन सरकार ने जिसको हमने फरवरी माह से स्थायी शुल्क में 40% से लेकर 80% तक की बढ़ोतरी कर दी, और वो फरवरी की बढ़ोतरी आगे मई जून जुलाई के बिलों में उन्होंने हमसे वसूल कर दी। जो कहने को सरकार हमें 7.30 रुपये प्रति यूनिट बिजली हमको दे रही है, लेकिन एक्चुअल में जो हम तो बिजली का पेमेंट हम कर रहे हैं वो 11 से लेकर 12 रुपये प्रति यूनिट बिजली का पेमेंट हम लोग कर रहे हैं। इसी प्रकार से जब लॉकडाउन पीरियड में हमारी फैक्ट्री बंद थी उसको ही ट्रांसपोर्ट का हमारा किराया सिटी पीटी का किराया हमसे वसूल किया गया। जो सोलर बिजली है जो हम लोग खुद बनाते हैं और सरकार के इससे हेल्प करते हैं, सरकार इससे सरकार से हम बिजली कम लेते हैं तो सरकार को फायदा करते हैं, लेकिन सरकार ने जो हमारी बंद फील्ड में जितनी हमारी बिजली बनी फैक्ट्रियों में वो बच्चे हमने जिसको हमको एक्सपोर्ट की और जिसको हमने उसको आगे किसी को दूसरों को बेच के उससे पैसा वसूल किया, लेकिन हमें क्रेडिट नहीं दी। और एक सरकार ने भी नया और सरचार्ज सोलर के नाम पे 20 रुपये प्रति किलोवाट प्रति में और लगा दिया गया, जबकि सरकार को उसमें सब्सिडी देनी चाहिए कि सोलर का काम एक अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन सब्सिडी देने के बजाय सरकार ने उसके ऊपर एक 20 रुपये का अधिभार और लगा दिया। इस प्रकार का एक हम लोग कोरोना के कारण बहुत तकलीफ में, हमारे पास में केस की काफी बड़ी समस्या है और हम तो सरकार से उम्मीद कर रहे थे कि सरकार हेल्प करेगी। यूपी सरकार ने, गुजरात सरकार ने, कर्नाटक सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन पीरियड का जो स्थायी शुल्क है पूरी तरह से माफ किया है, लेकिन राजस्थान सरकार इस पर कुछ सुनवाई नहीं कर रही है और दिन प्रतिदिन कुछ को नया बर्डन डाल दिया रही है। 3 साल पहले जो हमने बिजली कंज्यूम की थी उसका फ्यूल सरचार्ज हम लोगों से अब वसूल किया जा रहा है, तो कहने का मतलब बहुत ज्यादा महंगी बिजली को दी जा रही है। आज हमने कलेक्टर के माध्यम से सरकार को ज्ञापन भेजकर लॉकडाउन पीरियड का स्थायी शुल्क माफ करने और जो बड़ी दर है उस माफी लेने की मांग की है, और साथ ही सरकार इस हमारी बात नहीं मानती है तो हम आंदोलन के और भी तरीके अपनाएंगे और सरकार दबाव बनाएंगे कि उद्योगों को राहत दी जाए। आज ये ज्ञापन लघु उद्योग भारती के माध्यम जो संघर्ष समिति बनी है, जोधपुर के अलावा सभी शहरों में ज्ञापन दिया जा रहा है और कलेक्टर माध्यम से ज्ञापन भेजा जा रहा है। मैं सारे ट्रेड और इंडस्ट्री इन्वॉल्व हैं और सभी ने ये ज्ञापन पूर्व में भी दिया है और अभी और देने जा रहे हैं, दे दिया है। और स्थायी चार्ज पे तो इनका कोई क्लेरिफिकेशन है भी नहीं आम जन के लिए। बाकी घनश्याम जी ने काफी कुछ कह दिया।